मधुबनी शहर स्थित मदरसा अहमदिया मोमिनटोला में कैंप लगाकर कोविड वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, जिसे जिला प्रशासन के मंत्र का ही नतीजा कहा जा सकता है। ज्ञात रहे कि दो दिन पहले 16 जून को पूरे भारत में मेगा शिविर लगाकर कोविड वैक्सीनेशन किया गया था, जिसमें बिहार का स्थान नंबर 1 रहा। वहीं बिहार के सभी जिला की अगर बात की जाए तो मधुबनी चौथे स्थान पर रहा, और अगर मधुबनी की बात करें तो पंडौल प्रखंड नंबर 1 और राजनगर प्रखंड दूसरे स्थान पर रहा। बता दें कि दलित महादलित खासकर मुस्लिम इलाका में जागरूकता की कमी के सबब लोग कोविड की वैक्सीन लेने में कन्नी काट रहे थे, लेकिन जिला कलेक्टर श्री अमित कुमार का मंत्र और सीएस मधुबनी श्री सुनील कुमार झा की निगाहें ऐसे लोगों में जागरूकता लाने के लिए सीएस सिराजनगर के लैब टेक्नीशियन मोहम्मद इस्मतुल्लाह उर्फ गुलाब और केयर इंडिया के महेंद्र सिंह सोलंकी पर टिकी। फिर ऐसा देखा गया कि इन लोगों की मेहनत रंग लाई, जिसका आगाज मदरसा इस्लामिया राघव नगर और इस्लाहुल मुस्लिमीन से किया गया। वही बीते एक सप्ताह से मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। दूसरी ओर मोहम्मद गुलाब और सोलंकी जी पूर्व जिला पार्षद मोहतरमा सईदा बानो के साथ मिलकर 18 जून को मधुबनी शहर के मोमिनटोला, बड़ा बाजार, पंडौल प्रखंड के तारसराय, मुकरमपुर, नवादा मुसहरी, सीमा, पंडौल पूर्वी वार्ड नंबर 7 का दौरा कर लोगों में जागरूकता पैदा किया, जहां कल यानी रविवार 20 जून और सोमवार यानी 21 जून को कैंप लगाकर टीकाकरण किया जाएगा। ज्ञात रहे कि इस कैंप में ऐसे लोगों की ही तादाद होगी जो कल तक वैक्सीन लेना नहीं चाहते थे, इसलिए जरूरी है कि जिला प्रशासन वैक्सीनेशन में लगे कर्मियों की हौसला अफजाई करते रहे, फिर निसंदेह कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। वहीं हिंदुस्तानी मीडिया भी जिला वासियों से टीका लेने की अपील करती है। धन्यवाद। आप तमामी अगर से गुजारिश है, जो भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और मध्य मदरसा में टीका लगाने का काम चालू है, आप अदा जाकर के टीका लगवाएंगे। कोविड-19 का टीका और मध्य मदरसा में लगाया जा रहा है। आपका चंदा देवी, चंदा देवी, आपने इंजेक्शन लिया है? जी हाँ। तो आपको मरने का डर नहीं हुआ? लोग लोग कहता है मर जाएगा, मरने का डर होगा तो मर ही जाएगा, जब जिंदा रहेगा तो रहेगा। ऊपर वाले के हाथ में अब ऐसी कोई डर नहीं है ना? जी नहीं है। नहीं है तो आपने कितना देर पहले सुई लिया है? अभी जस्ट 1-2 मिनट हुआ। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। कहाँ घर है आपका? ये वार्ड नंबर 10 में घर है आपका। चलिए धन्यवाद तुम्हारा। क्या घर कहाँ है? आपने इंजेक्शन लिया है? कितना देर पहले लिया इंजेक्शन आप? कैसा महसूस कर रही हो? मतलब कोई परेशानी नहीं समझ वाली है? चलिए ठीक है, पहला डोज था आपका, पहला ही डोज है ना आपका? क्या बोले? आपने सुई लिया है? कौन सी का इंजेक्शन लिया है? कोरोना का? कैसा लग रहा है? कोई परेशानी बुझा रही है आपको? जी पहला डोज है आपका। क्या बोले हैं यहाँ सुई लेने के बाद चले जाने के लिए या बैठने के लिए बोले हैं? बैठने के लिए बोले। कोई परेशानी नहीं बुझा रहा है? आपने इंजेक्शन लिया है कोरोना का? ये पहला डोज है क्या? क्या नाम है आपका? रिजवाना खातून। घर कहाँ है आपका? मोमिन चला। अच्छा, कितना देर पहले इंजेक्शन लिया आपने? कोई परेशानी? अच्छा, आप ये बताइए रिजवाना कि एक अफवाह फैला हुआ था कि मुसलमान लोग या फिर दलित समाज में सुई लोग नहीं लेता है कोरोना का, लोग डरते हैं इससे, आपको ऐसा कोई खौफ नहीं ना? नहीं लेते हैं।
है ना, तो ये अफवाह फैला हुई थी, लोग अफवाह फैलाए हुए थे, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या बोल रही थी? हम बोल रहे थे कि मशीन बहुत उड़ा दिया था, कि सुइया लेने से आदमी वही हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सुइया लेने से आदमी सुरक्षित रहे। अब ऐसी कोई खौफ डर तो नहीं है? तो कोई डर नहीं है ना। अब तो सब लोग का मन में उमंग आ गया, हम लेंगे तो लेंगे। उमंग आ गया, क्या नाम है आपका? रीता देवी। रीता देवी, घर कहाँ है आपका? तिलक चौक। चलिए धन्यवाद आपका। यहाँ क्यों आई हो? क्यों अभी तुम्हारी तो एकदम यंग हो, 18 प्लस होगा तुम्हारी एज, क्यों ले रही हो? थोड़ा सा बचने के लिए, अफवाह था कि लोग सुन लेते हैं तो मर जाते हैं, सुने ऐसा क्या लगा? क्या नाम आपका? सविता कुमारी। सविता कुमारी, घर कहाँ है? सरकार चौक। तो इंजेक्शन लेने आई हो और गजब नहीं हो रही, डर नहीं हो रही है? अफवाह फैला हुआ था व्हाट्सएप के जरिए। आपका क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। प्रियंका, तुम भी सुन लेने आई हो? कोरोना का डर वर नहीं लगता? हाँ, तो तुम्हारी उम्र की जो लड़कियां होंगी उसको क्या कहोगी बोलो? कुछ कुछ मैसेज दो। अरे उसको सुन लेना चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ना? हाँ, जोर से बोलो ना। हाँ ठीक है, आपने भी इंजेक्शन लिया है? क्या नाम है? सुमन। आपको कुछ लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है सुन लेने के बाद? नहीं ना, पढ़ती हैं आप? इंजेक्शन कर रही है आप? घर कहाँ है? धन्यवाद। आप ये बताएं कि जिला प्रशासन कौन सा ऐसा मंदिर दिया, आज मानरेटी में देख, मानरेटी की जो लोग हैं वो उमड़ पड़े हैं कोरोना वायरस का इंजेक्शन लेने के लिए, आप बताएं। जिला प्रशासन भी बहुत मेहनत कर रहे थे इसको ठीक, मतलब वैक्सीनेशन के मामले में। जी जी, और मैं इसमें सहयोग ज़्यादा हुआ है महेंद्र सिंह सोलंकी का। जी जी। और हमारे गुलाब बाबू का, ये लोग मिल करके एक बहुत अच्छा मुहिम चला है। जी जी। और पूरे एरिया में घूम घूम करके हर जगह मस्जिद में भी इमाम साहब से ऐलान हुआ था घुमा करो, ये सब सारी मेहनत उन लोगों की रही। और उसके बाद जो है सब आज ये परिणाम है कि लोग उमड़ पड़े हैं वैक्सीनेशन के, काम कर रहा है, काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी लिया है, अभी तक कोई मतलब की कोई मतलब ऐसा परेशानी नहीं है, और बहुत अच्छा बात है। लोग जो रीमर उड़ा रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में ये रीमर लोग उड़ाने वाले एक एजेंसी है, जो वो एजेंसी मुसलमानों के खिलाफ हमेशा काम करती है, और वो रीमर वहीं से चलता है मुसलमानों के प्रति। इसीलिए इस रीमर का आज मुसलमानों के बीच में कोई अहमियत नहीं है, बढ़ चढ़ करके हमेशा हर माहौल में मुसलमान देश के लिए खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा, इस बार भी उसी तरीका से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहरा वाला है, वार्ड नंबर 9 मेरा मकान है। यहाँ क्यों आए थे? यहाँ वैक्सीन लेने के लिए। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 18 साल। छोटू नाम है तुम्हारा? जी। ये बताओ, ऐसा कहा जाता है कि 18 साल के नौजवान हो, तुमने इंजेक्शन ले लिया, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी इंजेक्शन लेने के बाद ऐसा ना हो कि तुम्हारा नस्ली आगे नहीं बढ़ सके, क्या करोगे? नहीं नहीं, सब अफवाह था, ये सब कुछ नहीं है, सबको लेना चाहिए, कोरोना महामारी में सबको लड़ना चाहिए, मिल करके इसमें सब सपोर्ट करना चाहिए, और हम लोग सब मिल करके इस कोरोना को लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं, बहुत उत्सुक है कि हमारे वार्ड में लोगों को अभी वैक्सीन दिया जा रहा है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। नाम क्या है? मोहम्मद है। अभी तुम इंजेक्शन ले रहे हो, अफवाह फैला हुआ था कि जो 18 साल का वो नौजवान है, अभी तुम्हारी शादी ब्याह भी नहीं हुई होगी, तो फिर क्या अगर कुछ हो गया तो? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब अफवाह। आप ये बताएं कि आप मदरसा अहमदिया के प्रिंसिपल हैं, क्या आज जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है आपके यहाँ, इससे पहले आपसे सेहत डिपार्टमेंट के, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के या हेल्थ डिपार्टमेंट के कोई अफसर, कोई अधिकारी मुलाकात भी किए थे क्या? जी हाँ, हमसे जो है कौन कौन मिले थे? गुलाब साहब और सुरेंद्र सिंह सोलंकी, महेंद्र सिंह सोलंकी जो है वो मिले थे आपसे? मिले थे, और उन्होंने जो जागरूकता के लिए जो है कहा, और इन लोगों की मेहनत और कोशिश है कि आज जो है मदरसा अहमदिया में जो है ये वैक्सीन का काम हो रहा है, और जो भी लोगों के अंदर जो खदशा था और डर था, खौफ था, वो सब को इन लोगों ने निकाला, और बड़ी मेहनत और कोशिश गुलाब साहब ने खुशी से है, और सोलंकी साहब ने बहुत कोशिश किया। क्या नाम है आपका? क्या है, पे है? मेरा नाम सलमुल्ला खान है,
प्यार से लोग झुन्ना खान कहते हैं जी। वार्ड नंबर 10 का पूर्व पार्षद हूँ मैं जी। अर्जेंट में भी मेरी पत्नी वार्ड नंबर 10 का नेतृत्व कर रही है जी जी। अजय एक छोटा सा समाज सेवक हूँ जी। और अभी जो हमारे डीएम साहब ने हमको स्पेशल एक लेटर दिया था कि आप कोरोना पर थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, हम लोग कहें सर हम आपके साथ हैं। इस मामले में आपने डीएम साहब का या प्रशासन का किस हद तक साथ दिया है सर बताइए आप। मेरा मैं मुझको लगता है कि वार्ड नंबर 10 में 1 से 30 वार्ड में मैं खुशनसीब आदमी हूँ जो मेरे वार्ड में डीएम साहब आए और कैंपिंग किए, उस दिन से शुरुआत किए पूरे शहर में। तो मैं वहाँ साना बसाना डीएम साहब के साथ खड़ा था, सिविल सर्जन के साथ खड़ा था। आज भी मदरसा मतिया में मैं सिविल सर्जन के साथ खड़ा हूं और गुलाब बाबू और सोलंकी बाबू का जो रोल है, जो इन्होंने अपने वक्त की कुर्बानी दे करके हम लोगों को जगाने का काम किया और मेहनत किया, एक बार नहीं कई बार इन्होंने फ़ोन किया कि ज़रा आप देखिए जैसे जगह पर हम कैंप लगाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने जमील बाबू जैसे लोगों को, अपने छोटे भाई सफदर बाबू को, अपने कमिश्नर साहब को, अपने जो हमारे मदरसा मदिया के ये हैं प्रिंसिपल साहब हैं, वो सबको मिलजुल के कहें कि नहीं सारे लोग वार्ड नंबर 10 से भी बहुत सारे लोग आए हैं, टीकाकरण हुआ है यहाँ भी, 9 से भी बहुत सारे लोग, तो सारे लोगों का सहयोग है और हम लगता है कि जिला में अच्छी स्थिति में। आखिरी सवाल आपसे कि कमिश्नर साहब आपने इंजेक्शन लिया है कोरोना? जी हमने फर्स्ट डोज ले चुका है। कब लिया आपने? हमको लगता है कि 1-1.5 महीना हो गया। तो इंजेक्शन के बाद कुछ ऐसा कुछ नहीं होता? हम लोग जैसे आदमी को अभी तक ऐसा एक पारासीटामोल भी दिया गया हमको कि इसको रख लिया जाए, बाई दी वे फीवर आवे तो खा लीजिएगा, लेकिन हमको लगता है घर पर ही पड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में जो गलतफहमी है उसको लोग निकालें, लोगों को बचने के लिए अपने जीवन बड़ा कीमती अल्लाह का दिया हुआ अमानत है वो, और बचाने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा प्रयासरत है कि कम से कम इस लड़ाई को हम सब मिल के लड़ें। तो मेरा अपना प्रयास है कि सब लोगों को टीका लेना चाहिए। धन्यवाद। घरे पर होता लाइन में हम सब ले रहे हैं, हम सब घर में जाते हैं सब लेना जरूरी है आप यहाँ मदरसा अहमदिया में हैं, इंजेक्शन लेने आए हैं क्या? ले लिया आप ये बताया कितना देर पहले इंजेक्शन लिया है? 15 मिनट। मदरसा में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईसा। घर कहाँ है? वार्ड नंबर 8। ईसा साहब आप ये बताएं कि एक अफवाह फैली हुई थी कि मुस्लिम कम्युनिटी में मुसलमान खासकर या जो COVID-19 का टीका है ये लेने से भागते हैं, कमी काटते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? कोई कमी नहीं काटते हैं, सब लोग आकर के ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं सब अब ले रहे हैं वैक्सीन लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। इसका मतलब ये इल्ज़ाम गलत था? जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहराब आलम है। आपने भी लिया है क्या इंजेक्शन? आधा घंटा हो गया। ले लिया है, कोई परेशानी? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे ऐसा माना जाता है कि हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, लेकिन उसमें परेशानी की बात नहीं है, अब ठीक है, रिलैक्स हैं। क्या आप पैगाम देंगे लोगों को, नसीहत क्या करेंगे? नसीहत यही करेंगे कि यहाँ कोई भी किसी का रिमर के बारे में मुसलमानों के लिए अगर बोला जा रहा है तो ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है और ये एजेंसी सब तैयार है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। जी जी, समझ गए कि जो भी कांड होता है मुसलमान करते हैं। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हर समय हर हमेशा मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी दिया और हमेशा देता रहता है, और इस बार भी इस महामारी में भी मुसलमान आगे बढ़ के हिस्सा लिया है, जो कि मुसलमान दिल्ली के निजामुद्दीन में जो हुआ था वहाँ से भी लोग अच्छे हो करके और वो अपना यूनिटी दान करने का काम किए। चलिए, बहुत बहुत सोहराब साहब शुक्रिया आपका। प्रशासन की तरफ से एक लेटर जारी हुई थी जिसमें जिला के जो DM हैं श्री अमित कुमार और जो CS है यहाँ के, उनका सिग्नेचर से उनका दस्तखत था, वो हर जगह मदरसे में और मसाजिद के अइमा कराम को जो इमाम है उनको दिया गया था, आपको भी शायद मिला होगा। शुक्रवार से पहले आया था मेरे मिला था, तो उस पर आपने क्या किया? तो मैंने पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद जो है जो लोगों के अंदर जो है गलत फहमियाँ थी उसको मैंने पूरे दूर करने की कोशिश की जो है, और जागरूकता लोगों के अंदर की जो है लोगों के दिमागों में था कि वैक्सीन 2 किस्मों की है, मैंने उस गलत फहमी को दूर किया कि वैक्सीन पूरे मुल्क में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही किस्म का जो है वैक्सीन है, और भी जो है
उसमें जो हिदायत दिए थे, हमने तमाम चीज़ों को लाइन बाई लाइन पढ़ करके तमाम लोगों को जागरूकता करने की कोशिश की और तमाम लोगों तक मैसेज पहुंचाया, जिसका असर आप यहां देख रहे होंगे। आप किस मस्जिद में इमाम हैं अभी? ये मोमिन टोला जामा मस्जिद, मोमिन टोला जामा मस्जिद में इमाम मदरसा के बगल में है। हजरत, आप ये बताएं कि खत आने से पहले जो गलतफहमी थी, खत आने के बाद ये सब दूर हो गई? बहुत सारी आपको लग रहा है कि जिला प्रशासन की बहुत अच्छी पहल मानते हैं? अच्छी पहल है, समझे कि नहीं। हम उनको उनका स्वागत करते हैं और उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनका, कि जो है उन्होंने लेटर लिखा हम लोग को, जो है हमने कौम तक, समाज तक पूरा इस मैसेज को पहुँचाया, जिसका असर आप देख सकते हैं कि आज सैकड़ों की तादाद में लोग जो है ले रहे हैं। और ये हमारे गुलाब साहब और ये हमारे सोलंकी साहब भी यहाँ मौजूद हैं और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि लोगों के अंदर से जो गलत फहमियाँ हैं। आपने देखा होगा कि जो पोलियो का जो डोज निकला था टीका, तो उसमें भी बहुत सारी गलत फहमियाँ थी, लेकिन मेहनत करने के बाद नई चीज़ें ठीक है, आहिस्ता इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जब लोगों के दिमाग में जो है उलझन है, खरीश है, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, जो है धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगी। हमारा यकीन है कि मौत बरहक है, मौत तो किसी हालत में मौत बरहक है, फिर ऐसी गलत फहमियाँ कैसे आ गई? अब खैर लोग है, हर सोचने की सलाहियत अलग अलग होती है, तो समझाने से ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते, समझाने के बाद आप देखते तब्दीली आप देख ही रहे। एक जुमा में तकरीर करने की वजह से, मैसेज देने की वजह से इतने लोग अब तक सही हो गए, लोग आकर के समझे हैं बात को और आकर के दे जी, और हर तरीके से अब चूँकि वो गलत अफवाह भी फैलती रहती है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम अब्दुल मन्नान। मदरसा अहमदिया में कोरोना वैक्सीन का दिया जा रहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि आप यहाँ काफ़ी यहाँ तत्पर हैं और मानिटी के भी लोग काफ़ी दिलचस्पी से इस इंजेक्शन को ले रहे हैं, ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया गया या फिर क्या इसके पास बताया? और यहाँ पर इसका श्रेय देना चाहेंगे हमारे ज़िला प्रशासन, सिविल सर्जन साहब, केयर इंडिया के सोलंकी साहब जी, और हम लोगों से जुड़े हुए काफ़ी इस महकमा के काफ़ी पुराने शख्स एक हमारे गुलाब साहब हैं, उन सब लोगों की मेहनत और मुस्लिम मोहल्लों में जा जाकर जो जागरूक करने का काम किया है इन लोगों ने जी, उसका नतीजा ये हुआ कि जहां पर मुस्लिम एक महीने पहले वैक्सीनेशन से भाग रहे थे, अब वैक्सीनेशन सेंटरों की तरफ दौड़ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। ज़िला प्रशासन ने एक और मदद की, जब 18 प्लस के लोगों को ही वैक्सीन देने का काम शुरू किया उन्होंने, तो इससे क्या हुआ कि लोगों और जागरूकता बढ़ी कि चलो भाई 45 प्लस वाले ही नहीं, 18 प्लस वाले भी ले सकते हैं जी। और क्योंकि 18 प्लस वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, उन लोगों को कोई खदशा नहीं होता है किसी बीमार होने का, उसका फ़ायदा 45 प्लस वाले लोगों ने भी लिया कि चलो जब वो ले रहा है तो हम भी लेंगे। इसमें मुकम्मल तौर पर हम ये कहेंगे कि जागरूक करने का काम हमारे DM साहब, KK सोलंकी साहब, गुलाब साहब और सिविल सर्जन साहब, जितनी भी स्वास्थ्य महकमे की टीम है प्रशासन के अलावा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां साहब। क्या है यहाँ वार्ड नंबर? मैं पहले यहाँ पार्षद हुआ करता था, फिलहाल मेरी पत्नी अभी यहाँ पार्षद हैं जी। और उन सब लोगों का, हम सब लोगों का, ये यहाँ के नौजवानों की भी मेहनत है। अभी आपने सुना होगा कि मस्जिद से यहाँ ऐलान हो रहा है जी। लोगों को, मुस्लिमों को जागरूक करने के लिए कि वो वैक्सीन सेंटर पर आके वैक्सीन लें, और इस तरह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से भी कि जिन लोगों में, मुसलमानों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी है, वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता की कमी है, उन लोगों को वैक्सीन दिया जाए, उन लोगों को वैक्सीन दिया जाए, उसमें किसी भी खतरे का इल्म नहीं, ये नहीं है, कोई खतरा नहीं है, लोग आगे बढ़ें। सर, जहां आप खड़े हैं ये कौन सी जगह है? ये है मोमिन टोला का मदरसा अहमदिया। और सवाल आपसे और है, आखिरी सवाल समझे कि आप ये बताएं कि जिस तरह की भीड़ देखी जा रही है, क्या लग रहा है कि एक दिन में यह टीकाकरण का काम खत्म हो जाएगा? मुमकिन है कि एक दिन में ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों की भीड़ है। और अचानक से ये जानकारी मुझे कल शाम में मिली, यहाँ पर सेंटर बनने वाला है, तो जितने लोगों को हम लोग इन्फॉर्म कर पाए अपने रिसोर्सेज से, उतने लोग कर पाए किया मैंने, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी जानकारी नहीं हो पाई और वो लोग निकल गए काम से, अपने अपने कामों से। उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन और मदद करेगी और जो बचे हुए लोग हैं उनको भी टीका दिया जाएगा, वैक्सीन दिया जाएगा। और रही बात जागरूक करने की, तो आप लोगों के सामने मिसाल है कि हमारी मस्जिदों से मुस्लिमों को जागरूक करने के लिए हमारे मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ऐलान तो कर रहे हैं कि मुसलमान आए और वैक्सीन। शाहजहां साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए, अब हम मिलते हैं यहाँ के सिविल सर्जन मिस्टर सुनील कुमार झा से। सर, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत।
सर हमने मधुबनी के मदरसा इस्लामिया मदरसा इस्लाहुल मोमिनीन मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन अभी हम मदरसा अहमदिया मोमिन टोला में खड़े हैं। सर आप ये बताएं कल तक ये अफवाह थी कि माइनॉरिटी के लोग इससे कलमी काट रहे हैं इंजेक्शन लेने से कोरोना वायरस कोरोना वायरस टीका है, अब आप ये बताएं आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ ये एक सप्ताह दस दिन पहले इसी बात सुनने में आ रही थी और दिख भी रहा था, इसका कुछ कुछ मतलब प्रमाण भी हम लोगों के पास है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ कैंपिंग भी करवाया, वैक्सीनेशन भी बहुत पुअर रिस्पॉन्स रहा, तो हम लोग को लगा कि शायद कुछ गलतफहमी या कुछ ऐसी बात है जो हम लोग कम्युनिकेट ठीक से एडुकेट करने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ अपना प्रयास किया अपने ही लोगों को रेशनलाइज करके, जैसे गुलाब है गुलाबपुर राजनगर से हम लोगों ने लगा दिया महेंद्र जी के साथ, और हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, डीएम साहब ने इसमें लीड लिया और सब आप लोग जितने भी खास खास और जितने भी मदरसा के जितने भी उलेमा लोग हैं या जो भी हैं सब लोगों के साथ मीटिंग की हम लोग, सारी बातें जो भी था उन्होंने पूछी, हम लोगों ने सब ने क्लेरिफाई किया। उसके बाद जिन तीनों संस्थानों का नाम आपने लिया तीनों जगह मैं गया हूँ और वहाँ का रिस्पॉन्स देख के काफ़ी खुशी हुई कि जो कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, हमको ये स्वाद महसूस हुआ। आज हम यहाँ भी देख रहे हैं इतनी अच्छी तादाद में लोग हैं जमा और कहीं कोई दिखे कोई साइड इफेक्ट आपको भी दिखाएंगे नहीं इस बार, ऐसे तो पोलियो डीपीटी का भी टीका लगता है उसमें भी फीवर आता है आ सकता है, बट वो बहुत एक दिन की बात है पैरास्टामॉल से ठीक हो जाता है। तो आप लोग के हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों के भी मेहनत से आप लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया लोगों को और इसका फल है कि आज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर मधुबनी के डीएम श्री अमित कुमार और एज ए सी एस आप और आपकी टीम में शामिल जैसे महेंद्र सोलंकी और मोहम्मद गुलाब, अभी मेरे पास खबर आई है कि यह गांव-गांव घूमकर वार्ड घूमकर बहुत जगह बात भी सुननी पड़ती है, डांट भी खाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई योजना है कि आने वाले वक्त में इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ करेंगे आप? इन लोगों को तो दिल से हम लोग प्रोत्साहन देते ही रहते हैं और हम लोग तो अगर हम अपनी बात बताएँ कि आज तक से 38वां साल है मेरे सर्विस का और मैं बेगूसराय में रहा, मैं बांका में रहा, शेखपुरा में रहा, बट मधुबनी के ऐसा बहुत कम प्रयास में बहुत अच्छा फल हमको यहाँ मिल रहा है। स्वाभाविक है पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, उस लोग काम करने में उतना नहीं होते हैं मतलब एक्टिव, बट इन लोगों को तो देखिए अब रामपट्टी में दिक्कत हुई, इन लोगों को लगाया रामपट्टी सक्सेस हो गया और हमको कम्युनिकेशन मुस्लिम कम्युनिटी में इन लोगों को लगाया, महेंद्र जी को हरफन मौला है जहाँ लगा दीजिए वहाँ चल जाते हैं, अभी इन लोग ने काफ़ी तो हमारे एसीमो साहब ने अभी अनाउंस किया ना कि ये टेस्टिमोनियल भी देंगे। अभी मैं बात करूँगा एसीमो साहब से, आखिरी सवाल आपसे, अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक मैसेज चल रहा है, वो देखा है कि नीतीश कुमार ने वादा किया है कि जो लोग स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के बढ़ चढ़ कर इसमें काम ले रहे हैं हिस्सा ले रहे हैं उसे एक महीना का तनख्वाह एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्या आपके पास कोई चिट्ठी भी आई है इसकी? वो तो चिट्ठी आई हो आ गई एक डेढ़ महीना पहले ही आ गई, ऐसा है पिछले साल भी दिया गया था, नोटिफिकेशन हो चुका है और जिन्होंने भी कोरोना से संबंधित कार्य में घर में बैठ के नहीं कोरोना से संबंधित कार्य में जिन्होंने भी कोरोना से लड़ने में मदद की है, लोगों की जान बचाई है, लोगों को शिक्षित करने में काम किया है, उन लोग सबको तो बनता ही है, सरकार इसमें कभी पीछे नहीं रहती है, हम लोग भी सबों को फायदा देंगे। धन्यवाद सर। सर आपने क्या कहा है, आपने अनाउंस किया है ऐसे लोग जो कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के? सबसे पहले तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें कम से कम मौखिक ही प्रशस्त पत्र देता हूं कि हम लोगों के साथ बढ़ करके हिंदू मुस्लिम सभी गला में गला मिल कर के इस जंग में हम लोग लड़ रहे हैं, साथ लड़ रहे हैं, खासकर विशेषतर हमारे जो केयर इंडिया के हैं महेंद्र सिंह सोलंकी और मोहम्मद गुलाब, इन लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, इन्हें मैं अपनी तरफ से एक प्रशस्त पत्र दूंगा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, क्योंकि इनके प्रयास से हमारी मुस्लिम समुदाय में पहुंच ज़्यादा बनी है और हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो गज दूरी मास्क है जरूरी। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।